बाड़मेर जिले के बोतिया सरहद में एक अनियंत्रित स्विफ्ट कार पलट गई और इस दर्दनाक हादसे में दो जनों की मौत हो गई, वहीं तीन जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार लाडपुरा कोटा निवासी एक परिवार के पांच सदस्य जैसलमेर से स्विफ्ट कार में सवार होकर बाड़मेर की ओर आ रहे थे। इस दौरान बोथिया रपट के पास कार अनियंत्रित होकर पलटी खा गई, जिसमें पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने आशा पत्नी वीरेंद्र प्रकाश जैन एवं वीरेंद्र प्रकाश जैन पुत्र तेज सिंह जैन को मृत घोषित कर दिया। वहीं उनके तीन बच्चे अमन जैन, चारू जैन एवं मृगेंद्र जैन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के अनुसार जैसलमेर एयरफोर्स में तैनात जवान वीरेंद्र प्रकाश जैन अपनी पत्नी व तीन बच्चों के साथ स्विफ्ट में सवार होकर बाड़मेर की ओर आ रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें पति पत्नी की मौत हो गई। हमारे पास सूचना मिली थी कि बहुत से रपट के पास में एक स्विफ्ट कार है, वो पलटी खा गई है, उसमें चार पांच आदमी सवार थे जो इंजर्ड हो गए, जिसको 108 द्वारा हॉस्पिटल पहुंचा है, जिसमें दो की डेथ हो गई है, वीरेंद्र प्रकाश और आशा जैन की डेथ हो गई है, बाकी तीन इंजर्ड है। सर कहाँ के बताए जा रहे हैं? ये है लाडपुरा कोटा के। सूचना पर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन समेत जैन समाज के लोग जिला अस्पताल पहुंचे और मृतकों के बच्चों को ढांढस बंधाया।